हाय गाइस, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना बर्थडे व्लॉग। बर्थडे वाले दिन मैं लाइव आई थी, ये सब ये आप लोगों को पता ही है। तो गाइस, मैंने जो भी मेरा व्लॉग बन पाया ये भी शूट कर लिया था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। तो ये थे केक, जब केक लेने के लिए गए थे। तो स्टार्ट करते हैं हम नाइट टाइम से। नाइट टाइम पे मेरे रूम की कुछ ऐसी डेकोरेशंस की थी मेरे घर वालों ने। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, मेरे बेड के बैक वाला एरिया है। और ये जो मेरे हाथ में है ये है केक टॉपर, आप भी इनको ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं हम अपने केक पर जब इनको लगाते हैं। तो ये थोड़े से मैं शॉर्ट्स ले रही थी, सोच रही थी कि कुछ अच्छा सा वीडियो बन जाए, बट नाइट के टाइम में सबको पता है कि इतना कहाँ रेडी हुआ जाता है, कुछ नहीं। जैसे भी थी वैसे ही मैंने बस बना लिया, मुझे लगा आप लोग से शेयर करना चाहिए। और ये क्यूटू सा है मेरा भतीजा, इसको तो इतना प्यारा लग रहा था ना ये सब। तो हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। ओके, तो घर में जब कोई केक आता है तो इसको लगता है कि इसका बर्थडे है, तो मेरे बर्थडे पे इसने मेरे को भी केक काटने की इजाजत दे दी। थैंक यू, थैंक गॉड। सो गाइस, ये मेरी हालत हो चुकी है केक काटने के बाद, इतनी ज्यादा जल्दी हालत हो चुकी है। और ये है मेरा केक। मम्मी वीडियो में नहीं आना चाहती क्योंकि उनकी हालत थोड़ी सी ऐसी हो रही है, वो बोल रही है कि मैं बिल्कुल भी मतलब अभी कैमरा के सामने नहीं आना चाहती, और मेरी भाभी भी नहीं आना चाहती। तो इन लोगों से मैं आप लोगों को कल मिलाऊंगी। और ये है मेरा केक, और ये रही सारी डेकोरेशन, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। आयश जल्दी आ जा, इधर 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 आयश, किसी कर दो, किसी कर दो, किसी कर दो भाभी को। तो रात वाला मैं आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ। जब मैं सुबह उठी तो देखा मेरी मम्मी ने मेरे लिए ब्रेड पकौड़े बनाए थे कुछ स्पेशल स्टाइल से, और ये बहुत टेस्टी थे। थैंक यू मम्मी। आई आई लव यू, आई लव यू, अरे लव, थैंक यू। ओके, तो अब मैं शाम को थोड़ा बाहर जाना था, तो उसके लिए मैं रेडी हो रही हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के लिए ये मेकअप भी मैं शूट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया था। फेस को वॉश करने के बाद मैं ये लैक्मे का मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। मैं भर भर के मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि विंटर स्टार्ट हो गई है, तो फेस बहुत ड्राई रहने लग जाता है। मेरी तो ऑयली स्किन है, उसके बावजूद भी मैं इतना ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ा अपना फेस ड्राई लग रहा था। तो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ ये है प्राइमर, ये है शुगर का प्राइमर। तो इसको भी मैं अच्छे से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी, और इसको अप्लाई करने के बाद मैं अपने फेस को 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और मैं इसलिए हंस रही थी क्योंकि पीछे से मेरी भाभी कुछ बोल रही थी। और गाइज, ये ना बिना लाइट्स के, मतलब रिंग लाइट कोई नहीं है, बस जो रूम में लाइट थी उसमें ही मैं ये शूट कर रही हूँ, तो इतनी अच्छी आप लोगों को नहीं दिख रहा है इतने अच्छे से। और जो मेरा फ़ोन है वो भी मैंने ट्राइपॉड पे नहीं रखा हुआ है, जो मेरे रूम में टीवी रखा हुआ है उस टीवी के ऊपर मैंने इसको किसी तरीके से सेट किया हुआ था। जब तभी मेरा फेस जो है ना इतना मोटा दिखाई दे रहा है क्योंकि लो एंगल था और फ़ोन भी थोड़ा स्लाइड करके रखा हुआ था। तो कोई बात नहीं, चलो वीडियो तो शूट हो गई है। खैर, अब मैंने अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया। इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी, मतलब मैंने सबसे पहले अपनी ड्रेस चेंज कर ली, सॉरी मैं भूल गई थी, मैंने मैजिक से अपनी ड्रेस चेंज कर ली। और उसके बाद मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ, और इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये है बोरोलिन, ये 10 रुपीज़ की मैंने ली थी और बहुत अच्छी लगती है मुझे विंटर्स में, अच्छे से हमारे लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर देती है, जो भी हमारे लिप्स जो है चैपी से होने लग जाते हैं उनको सही कर देती है। अभी मैं किसी तरीके से फ़ोन को सही करने की कोशिश कर रही थी, बट जैसे भी हो पा रहा था मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन, ये है फाउंडेशन स्टिक, ये है शुगर की, और इसको ही मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि इसमें मुझे अलग से स्पॉन्ज लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके बैक में ही इन्होंने ब्रश दिया रहता है, तो इससे ही मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। गाइज, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा अच्छी है आप देख सकते हैं, और ब्रश भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का लगता है। ये इसका प्राइस 999 रुपीज़ है, और बस इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अब अपने फेस पे, और इसी फाउंडेशन स्टिक को एज अ कंसीलर मैं अप्लाई करूँगी। कोई अलग से कंसीलर मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, आज मैंने ना बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, मतलब जो प्रोडक्ट थे उनमें से ही सब कुछ करने की ट्राई किया है। तो अभी मैं ले रही हूँ शुगर का कॉम्पैक्ट, और इससे मैं अपने फेस के मतलब आई एरिया को ही मैं इससे अच्छे से सेट करूँगी क्योंकि थोड़ा ड्राई हो जाता है वरना, तो आई एरिया पे इसलिए हमें सेट करना ज़रूरी है ताकि कोई क्रीज लाइन ना बने। तो इससे अच्छे से सेट करने के बाद अब मैं अप्लाई करूँगी ये आई शेडो पैलेट, ये भी फ्रॉम द ब्रांड शुगर की ही है, बहुत अच्छी मिक्स्ड पैलेट है ये। तो इस पैलेट में मुझे सब कुछ मिल जाता है और मुझे अलग से ब्रॉन्जर, ब्लश, आई शेडो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी मैं इसमें से ले रही हूँ, इसी में ब्रश भी दिया हुआ है, ये इसी के ब्रश की हेल्प से मैं ये ब्राउन शेड जो ब्रॉन्जिंग के लिए दिया गया है ब्राउन, और इसमें एक पिंक शेड है उसको मिला के अपनी क्रीज लाइन बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना ईजिली मैं ये आई मेकअप कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना था। और इसी में से ही मैंने गोल्डन शेड लेकर अपनी आईलिड पे अप्लाई कर लिया था। नेक्स्ट मैंने ब्रॉन्जिंग और अपनी ब्लश भी लगा लिया था। गाइस, वो मैं सब शूट नहीं कर पाई, और ये लिपस्टिक लगाई थी मैंने शुगर की ही प्रिची पीच, और थोड़ा सा आईलाइनर लगाया था। सॉरी गाइस, मैं सब कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि लाइव आने का टाइम हो रहा था, थोड़ा लेट हो रहा था, कोई बात नहीं, चलो बर्थडे इंजॉय करते हैं।
ओके गाइस, तो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी चीज़ हुई है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। मैं जब केक कट कर रही थी तो मैं कैंडल्स को जो फूक मारना भूल गई थी, तो ये जो मेरा प्यारा सा क्यूट सा भतीजा है ये ट्राई कर रहा है और मुझे भी लगातार बोल रहा था कि भाभी देखो प्लीज़ कैंडल्स को बुझाओ, और ये बहुत ही क्यूट लग रहा था यार। मैंने खुद ये अभी वीडियो में ही देखा और मैं सोच रही हूँ ये कितना क्यूट लग रहा है आपको। तो गाइज़ अभी मैंने अपना लाइव ख़त्म किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फ़र्स्ट टाइम लाइव आई और इतना ज़्यादा प्यार दिया। ये मेरी भाभी हैं, इनके साथ मैं आई हूँ, और ये है मेरा क्यूट सा भतीजा अयश। से हेलो, हाय। हमने कुछ खाने के लिए मंगाया है और शायद केक कट रिकॉर्ड हुआ थोड़ा, ओके। तो केक कटिंग पता नहीं रिकॉर्ड हुई है कि नहीं हुई है इतने अच्छे से, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ गया। आप लोग भी बताना कि आप लोगों को भी मज़ा आया क्या। फिर नेक्स्ट टाइम फिर लाइव मिलेंगे। ये मेरे से मैचिंग करके आया है बिल्कुल, कपड़े ब्लैक एंड वाइट, बुआ ब्लैक एंड वाइट भतीजा। ये देखो गाइस, ये मेरा भतीजा, इसने वाइट शर्ट क्योंकि बुआ ने वाइट पहना है, ब्लैक पैंट क्योंकि बुआ ने ब्लैक पहना है। सो गाइज, यहाँ पे हम फुल एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा क्राउड भी है, और ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया यहाँ पे जहाँ पे मेरी भाभी फोटोज खिंचवा रही है, अब हम जा रहे हैं अंदर। तो गाइज बहुत ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि मैं पहले तो लाइव आई थी, ठीक है, और उसके बाद फिर हम फोटोज़ खींचने चले गए। और सी माई रिंग्स, आपने मेरी रिंग्स नहीं देखी, कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना। ये मैंने पूरा सेट लिया था और वॉच तो मैंने आप लोगों को दिखाई थी। अभी ये जो ये फ़ोन है, इसमें मेरी ये वीडियो जो है, जब मैं लाइव थी ना उस वक्त पे ये वीडियो शूट कर रही थी, मतलब क्योंकि एक फ़ोन से एक ही काम हो सकता है, तो इसलिए मैंने दूसरे फ़ोन से बना दी थी और मैं ये जल्दी से अपलोड करूँगी। मुझे नहीं पता था कि मतलब मेरा दिन ना कल जब स्टार्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ था, अभी काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। और मम्मी का भी आज बर्थडे है, आप लोग कहोगे कि आंटी क्यों नहीं आई, क्योंकि मम्मी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी, उन्होंने मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगी, अभी मेरे को ठीक फील नहीं हो रहा है, आप लोग जाओ, तो इस वजह से हम लोग आ गए हैं। हम भी मतलब मेरी भाभी आई है साथ में, फ्राइड राइस और ये है मंचूरियन, चीज़ें आनी हैं अभी जो मंगवाई हैं। पहले हमारा प्लान ये था कि हम लोग केक नहीं काटेंगे, लेकिन फिर भी केक कट ही जाता है, क्योंकि एक रात में केक कटा था बहुत ज़्यादा हो जाता है इसलिए, लेकिन हमने सेकंड टाइम भी केक काट लिया। और अब देखते हैं कि क्या क्या खाने को आता है और टेस्ट कैसा है, क्योंकि रेड सॉस पास्ता पसंद है मुझे, मेरा बहुत फेवरेट है ये, देखने में तो बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है। और अभी एक चीज़ और आती है, क्या मंगाया भाभी? और पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा मंगाया है। सो गाइस, वहां से मैं निकल चुकी हूँ और अब हम यहाँ पे आए हैं। ये है चाय सुट्टा बार, आप देख सकते हैं सहारनपुर का चाय सुट्टा बार। तो गाइस अब मैं आ गई हूँ पान खाने। पान खाना कैसे भूल सकती हूँ, लास्ट ब्लॉग मेरा जो लास्ट बर्थडे ब्लॉग था उसमें भी आप लोगों ने देखा था कि मैं सब कुछ खाने के बाद पान जरूर खाती हूँ, तो अभी मैं पान खाने आ गई हूँ।